प्रॉन्स बिरयानी बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए हैं कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम लोगों ने हाफ के जी प्रॉन्स ले लिए हैं, इनको अच्छी तरह से हम लोगों ने वॉश कर लिया। ये आप देख सकते हैं, इसको वॉश करने का तरीका ये है कि प्रॉन्स के अंदर यहाँ पे होता है ब्लैक कलर का धागा, वो हम लोगों ने इसको रिमूव कर देना है। पीछे इसके जो होती है इसकी टेल, उसको हम लोगों ने रिमूव कर देना है। और ये अच्छी तरह से इसको वॉश करके तकरीबन 15 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको विनेगर में पानी डाल के, पानी में विनेगर डाल के उसको डिप करके हम लोगों ने रख दिया था। वॉश करने के बाद इस तरह से हम लोगों ने इसको निकाल लिया है। उसके बाद ये हम लोगों ने लिया है योगर्ट, ये हम लोगों ने ले लिया एक प्याली। ये हम लोगों ने प्याज लिया है तकरीबन, ये होंगे तकरीबन 5 से 6 अनियंस है मीडियम साइज में। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे होंगे प्याली में क्या है, ये हम लोगों ने इसमें डाला है लहसुन अदरक और हरी मिर्च। ये तकरीबन हम लोगों ने देख सकते हैं पूरी प्याली हम लोगों ने इसको रखी है, क्योंकि ये प्रॉन्स है, आपको पता है प्रॉन्स में स्मेल होती है, तो इस वजह से हम लोगों ने जरा ज्यादा ये पेस्ट बनाई है। लहसुन अदरक और हरी मिर्चें, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज, ये हम लोगों ने लिया है। हमारे पास है बीफ बिरयानी मसाला, जस्ट शाम शान का है ये बीफ बिरयानी मसाला, उसका हम लोगों ने 2 टेबल स्पून ले लिए है। ये हमारे पास है ऑरेंज फूड कलर, उसके साथ ही हम लोगों ने ले लिया है सॉल्ट, रेड चिली पेपर एंड टर्मेरिक पाउडर, और ये है हमारे पास चिली फ्लेक्स, और ये हमने लिया है सिंधी बिरयानी मसाला शान का 2 टेबल स्पून। ये हम लोगों ने इसलिए लिया है कि क्योंकि आपको पता है कि जो पैकेट्स होते हैं शान के, नेशनल के, जो भी उसमें हर चीज उन्होंने इस पैकेट में ऐड की होती है, तो इसलिए हम लोगों ने सेपरेट सेपरेट लेने के बजाय हम लोगों ने वो ही 2 टेबल स्पून उस पैकेट के हम लोगों ने जो सिंधी बिरयानी मसाले के हम लोगों ने दिन ले लिए हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान हम शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले हम लोगों ने ये देगची ले ली है, इसमें हम लोगों ने ऐड कर देना है प्याज, और साथ ही हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। ऑयल हम लोगों ने जरा ज्यादा ही ऐड करना है, क्योंकि आपको पता है बिरयानी में ऑयल जरा ज्यादा ही होता है। ये हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया है, और अब हम लोगों ने प्याज को तब तक हम लोगों ने इसको फ्राई करना है, मतलब कि इसको येलोश ब्राउन करना है। हम लोगों ने इसको ब्राउन नहीं करना, जस्ट हम लोगों ने येलो करना है। जैसे येलो होता है फिर हम आपको टोमेटोज दिखाते हैं, हम लोगों ने इसमें ऐड करने हैं, और फिर इंशाल्लाह से हम लोग नेक्स्ट आपको दिखाते हैं हम लोगों ने क्या करना है। ये हम लोगों ने लिए थे टोमेटोज, ये तकरीबन 4 टोमेटोज हैं, इस तरह से हम लोगों ने क्यूब्स में काट लिए, बड़े छोटे जैसे भी आप काट लें, क्योंकि सारा उसमें मिक्स मसाले में हो जाता है। उसके अलावा हम लोगों ने ग्रीन चिलीज ले ली है, ये भी 5 से 6 हम लोगों ने ले, इसके दो दो पीस करके हम लोगों ने इसको रख लिया है। अब हम लोगों ने रख दिया था प्याज अपना फ्राई होने के लिए, जैसे हमारा प्याज होता है फिर हम लोगों ने इसमें टोमेटोज ऐड कर देने हैं। अभी हम लोगों ने इसमें कोई स्पाइस भी ऐड नहीं करना, जस्ट हम लोगों ने सिर्फ इसका मसाला रेडी करना है बगैर स्पाइसेस के, ताकि अगर हम लोग स्टार्ट में इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं तो होता ये है कि जब लास्ट तक हम लोग इसको भुनाई उसकी करते हैं करते 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 एंड तक जाके जो मसाला हमारा बिरयानी का होता है वो ब्लैक कलर होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोग जस्ट हाफ इसको फ्राई मसाला भून के अपना टमेटोज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिलीज, प्याज सब इसको भून के हम लोगों ने हाफ मसाला हम लोगों ने इसमें स्पाइसेस डाले बगैर अच्छी तरह भून लेना है, और देन हम लोगों ने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, और फिर आगे हम आपको बताते हैं हम लोग कैसे क्या क्या करते हैं, और फिर आपको हम साथ साथ बताई जाते हैं। और अभी वैसे भी बच्चों की वेकेशन चल रही है, आपको पता है बच्चों की फरमाइशें और रोज नए नए खाने, तो इसलिए आई होप सो कि आपको हमारी रेसिपीज आप जरूर ट्राई करते होंगे, बनाते होंगे, और आपको पसंद भी आती होंगी। और इसके अलावा भी अगर आप कोई चीज चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई फरमाइश है आपकी, कोई रेसिपी आप बनवा चाहते हैं बनाना, तो आप मुझे बता सकते हैं। जबरदस्त सी प्रॉन्स बिरयानी हम बनाना सिखा रहे हैं आज आपको, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये भी रेसिपी जरूर पसंद आएगी, क्योंकि आपको पता है आजकल बच्चे भी ये जो हैं, पहले तो बड़े ही लेकिन आजकल बच्चे भी जो हैं वो भी प्रॉन्स बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। और सी फूड तो आपको पता है वैसे भी गर्मी हो सर्दी हो वैसे ही अच्छा है हेल्थ के लिए। तो ये हमारा जैसे ही प्याज होता है फिर हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये प्याज हमारा जो है अब येलोइश होना शुरू हो गया है, ब्राउन अभी हम लोगों ने नहीं किया और ना ही हम लोगों ने करना है। इस लेवल पे हम लोग इसमें टोमेटो ऐड कर देते हैं, और साथ ही हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है, ये हमारे पास है लहसुन अदरक की पेस्ट, ये हम लोगों ने इसमें पूरी जो है हम लोगों ने तैयार की है वो नहीं ऐड करनी, इसमें हाफ हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। और हाफ हमने क्या करनी है वो हम आपको दिखाते हैं, हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है और कहाँ यूज करनी है। ये इस तरह से अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको अब हम लोगों ने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम लोगों ने इसको ऐसे ही पकाना है। इसमें हम लोग हल्का सा पानी भी ऐड कर देते हैं,
ये हल्का सा हम लोगों ने पानी ऐड कर दिया ताकि प्याज हमारा मजीद ब्राउन ना हो, और इसी तरह ये हल्के हल्के रंग में अच्छी तरह से सारा मिक्स हो जाए, प्याज टमाटर और जो चीजें हम लोगों ने इसमें ऐड की हैं अच्छी तरह से ये मसाले की शक्ल में आना शुरू हो जाए। ये हम लोगों ने डाल दिया सारा कुछ इसमें, अब ये चीजें हो रही हैं। जब तक ये हमारा मसाला रेडी होता है तब तक हम लोगों ने चावल बॉयल करने रख दिए। देख सकते हैं चावल हम लोगों ने बॉयल होने शुरू हो गए, हमारे पानी रख दिया हम लोगों ने चावल बॉयल करने के लिए। तो जैसे ही हम लोगों का ये मसाला तैयार होना है साथ ही हम लोगों के चावल बॉयल हो जाते हैं, रेडी हो जाने हैं, और फिर हम लोगों ने इसको दे देने हैं दम, अच्छी तरह से लगा देते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा मसाला बड़ा अच्छी तरह से कुक हो रहा है, इसकी लुक आप देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको भुनाई की है, इसकी भुनाई कर रहे हैं, बल्कि इसमें हम लोगों ने सब चीजें ऐड कर दी हैं। ये आप ये हम लोगों ने अब लिया है, ये क्या है हमारे पास, ये हम लोगों ने इमली ली है थोड़ी सी, और ये हम लोगों ने दो लेमन लिए हैं, ये हम दोनों हमने मिक्स करके इमली और लेमन अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है, ताकि आपको पता है बिरयानी जब तक खट्टी ना हो उसका मजा नहीं आता। तो ये हम लोगों ने उसमें थोड़ी सी खटास पैदा करने के लिए हम लोगों ने इसमें इमली और लेमन इसमें ऐड कर दिया है। योगर्ट भी हम लोगों ने जो डाला है पहले, वो भी आपको पता है आजकल गर्मी का मौसम है तो योगर्ट भी थोड़ा सा ज़रा खट्टा ही हो जाता है। वैसे भी मैंने ये पुराना इसमें योगर्ट 2-3 दिन पहले का ऐड किया है, ताकि हमारी जो बिरयानी है इसमें और मज़ीद इसको खट्टा करने के लिए कोई चीज़ इसमें मज़ीद ना डालनी पड़े। तो इस वजह से इसमें जो है, जब हम लोगों ने मसाला हमारा रेडी हो जाना है, तब हम लोगों ने जब इसको टेस्ट करते हैं कि इसमें जो है स्पाइसेस हमारे कंप्लीट है, तब आप लोग एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इसमें सॉल्ट और जो हमारी है सॉल्ट पेपर और उसकी सावरनेस होती है, थोड़ा सी खटास इसमें जो होती है वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। नमक भी हमें ज्यादा लगना चाहिए, मिर्च भी ज्यादा लगनी चाहिए, और खटास भी इसमें हमें ज्यादा लगनी चाहिए, ताकि जब हम लोग इसमें चावल ऐड करेंगे तो वो उसमें लेवल इक्वल हो जाता है। अगर हम लोग इसको मसाला एज अ मसाला इसको रेडी करेंगे नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल हम खाना रेडी करते हैं मसाला, हम लोग नॉर्मल इसमें स्पाइसेस डाल के तैयार कर लिए, तो आप एक चीज हमेशा चेक करिए कि जब आप बिरयानी अपनी रेडी करेंगे तो आपकी बिरयानी हमेशा फिक्की रहेगी, मतलब उसमें स्पाइसेस बिरयानी में कम होंगे तो वो मजा आपको नहीं आएगा जो कि बिरयानी का आना चाहिए। इसलिए हमेशा आप लोगों ने जो है बिरयानी मसाला बनाना है, इसमें हमेशा आप लोगों ने स्पाइसेस ज्यादा ही रखने हैं, कि जब आप इसको टेस्ट करें कि एक दफा आपको पता लगे, आपकी जो टंग से टच हो, जबान से टच हो आपके, तो आपको पता लगे कि जी इसमें थोड़ा सा नमक भी तेज है, इसमें थोड़ी सी मिर्च भी तेज है, इसमें खटास भी ज्यादा है। तो इस तरह का हमें आना चाहिए, ताकि फीलिंग हमें इस तरह की आनी चाहिए, ताकि चावलों के बाद हर चीज जो है इसमें एडजस्ट हो सके। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी हम लोगों ने इसमें कम स्पाइसेस ऐड नहीं करने, हमेशा बिरयानी मसाले में जो होते हैं, जो हम बिरयानी का मसाला तैयार करते हैं, इसमें हमेशा स्पाइसेस हम ज्यादा ही ऐड करते हैं। अब हम लोग का मसाला तकरीबन रेडी होने वाला है, तकरीबन 10-15 मिनट हम इसमें और भुनेंगे, इसको हम लोग साइड पे कर देंगे। अब हम लोगों ने इस लेवल में हम लोग इसमें क्या करना है, प्रॉन्स ऐड करने हैं, और प्रॉन्स सबसे पहले हम इसको फ्राई करते हैं, और हम आपको दिखाते हैं वो कैसे फ्राई करने हैं। ये हम लोगों ने एक पैन लिया था, पैन लेके हम लोगों ने इसमें प्रॉन्स ऐड कर दिए हैं, या आप देख, इसमें हम लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट इसमें अभी हम लोगों ने प्रॉन्स ही ऐड किए हैं। उसके बाद ये जो हम लोगों ने लहसुन अदरक की पेस्ट रखी थी, ये हम लोगों ने इसमें ऐड कर देनी, वो मैंने आपको कहा था थोड़ी सी हम लोगों ने इसमें बचा के रख दी थी, मसाले में हम लोगों ने सारी ऐड नहीं की थी। और अब साथ इसमें हम लोग थोड़ा सा जो है हल्का सा ऑयल ऐड कर देते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो है बिरयानी में ऑयल अच्छा खासा ऐड कर चुके हैं। ये हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया, और इसको अच्छी तरह से अब हम लोग कर लेते हैं फ्राई, और फिर हम लोग इसको उसमें ऐड करते हैं। ये आप देख सकते हैं अब इसका पानी काफी हद तक हो चुका है ड्राई, अभी हम लोगों ने इसको ऐसे ही उठाना है, और जो हम लोगों ने मसाला रेडी करके रखा हुआ है बिरयानी का, हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं। ये इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं, ताकि लहसुन अदरक की पेस्ट, आपको पता है लहसुन जो है मटन में डालें, चिकन में डालें, प्रॉन्स में डालें, जिस चीज में भी डालते हैं वो उसकी स्मेल को खत्म करता है। तो ये अब हम लोगों ने इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया, और देखते हैं जब तक इसका पानी ड्राई होता है, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये बहुत जबरदस्त सा मसाला हमारा बिरयानी का हो रहा है तैयार, रेडी हो रहा है। अब हम लोगों ने इसमें जो प्रॉन्स हम लोगों ने फ्राई किए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हम लोगों ने सारे इसमें ऐड कर देने हैं, और इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने कर लेना है मिक्स, और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हम लोगों ने इसकी जरूर जरूर भुनाई करनी है, ताकि अच्छी तरह से ये भुन जाए, कुक हो जाए, स्मेल वगैरह सब इसकी जो है खत्म हो जाए। ये आप देख सकते हैं, ये अब हम लोगों ने इसमें इसको पकने देना है तकरीबन
10 से 15 मिनट के लिए इसको जरा भून के फिर हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से जरा कुक हो जाए। इसको अब हम लोगों ने पकने देना इस लेवल पे। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो आप बड़े साइज के प्रॉन भी ले सकते हैं, चाहे इससे छोटे मजीद जो श्रिम्स होते हैं वो भी ले सकते हैं प्रॉन्स बिरयानी की। अब हम लोगों ने इसमें क्या करना है, ये हम लोगों ने पोटैटोज बॉयल कर लिए हैं, ये हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पे है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ठीक, अगर नहीं भी करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें जो हम लोगों ने काट के रखी थी वो हम लोगों ने इसमें ऐड कर दी है, और इसको अच्छी तरह से हम लोग कर लेते हैं मिक्स। अच्छी तरह से हम लोग इसको मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल ड्राई है, हम लोगों ने इसको ड्राई बिल्कुल नहीं रहने देना। हम लोगों ने इसमें हल्का सा पानी ऐड कर देते हैं, इसको हम लोगों ने इस तरह सॉफ्ट सॉफ्ट सा रखना है ताकि अच्छी तरह से जो हमारी बिरयानी है उसमें अच्छी तरह ये मसाला मिक्स हो सके। इसमें थोड़ा सा हम पानी और ऐड करते हैं, ये तकरीबन हम लोगों ने इसमें हाफ ग्लास पानी ऐड कर दिया है, और अब हम लोगों ने इसको 5 मिनट तकरीबन और कुक करके देन हम लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं चावल जो हम लोगों ने ऑलरेडी बॉईल कर लिए हैं। ये हम लोग इसको कुक कर रहे हैं, कुक करने के बाद जैसे ही हमारा ये होता है और हमने पानी ऐड किया, जैसे ही वो पानी जरा हो जाए इसमें मिक्स हो जाए फिर हम लोगों ने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। तो ये अब हम लोगों ने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं सारे, नीचे हमारा बिल्कुल ग्रेवी है, ऊपर हम लोगों ने चावल ऐड कर दिए हैं, और उसके ऊपर हम लोगों ने ये जो ऑरेंज फूड कलर रखा हुआ था ये हम लोगों ने इसमें अच्छी तरह से कर देना ऐड। येलो फूड कलर हम लोग इसमें ऐड नहीं करते क्योंकि हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी हल्दी डाली हुई है, तो वो जो उसमें थोड़ा सा येलोशपन होता है वो फिर उसमें चावलों में ही आता है। अब हम लोगों ने इसमें रुमाल गीला करके इसके उसके कैप में रख के लपेट के तो हम इसको दम लगा देते हैं, फिर हम आपको इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद दिखाते हैं इसके लुक। ये अब हम लोगों ने आप देख सकते हैं चावल, इसमें कोई हम लोगों ने लेयर नहीं लगाई, जस्ट हम लोगों ने इसमें चावल बॉईल किए थे और इसमें हम लोगों ने चावल कर दिए हैं ऐड। जैसे हम लोगों ने इसको कवर करके दम पे लगाया हुआ था, जब हम दम खोल रहे हैं माशाल्लाह से, ये आप देख सकते हैं जब ये हमारी इस तरह से स्टीम बन रही हो तो समझ आए कि हमारा दम बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। ये अब हम लोग इसको आपको दिखाते हैं नीचे से निकाल के राइस, ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर, ये मैंने आपको बोला था कि ये येलो येलो कलर जो होता है वो ऑलरेडी जो हम लोग इसमें हल्दी डालते हैं उसे निकल ही आता है येलो कलर। ये आप देख सकते हैं इतना जबरदस्त इसका कलर माशाल्लाह से, जबरदस्त हमारी बिरयानी बनके हो चुकी है रेडी। इसको हम लोगों ने अच्छी पूरी तरह से मिक्स नहीं करना, बस इसको कुछ कुछ इसमें बीच में व्हाइट चावल, कुछ कुछ ऑरेंज चावल और कुछ कुछ हम लोग इसमें येलो राइस रहने देंगे, उसे लुक इतनी अच्छी राइस की आती है। ये आप लोग बात आप लोग भी याद रखिएगा, कभी भी आप लोगों ने सारी बिरयानी जो है अच्छी तरह से मिक्स नहीं करनी, येलो इसको कलर नहीं दे देना। इस तरह से डिफरेंट कलर जब बिरयानी में आता है मेहमानों को सर्व करते हैं या किसी को भी देते खाने के लिए सर्व करते हैं तो वो बहुत अच्छी उसकी लुक आती है। आई होप सो कि आपको हमारी आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह हमारी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।